राजस्थान और राजपूत वीरता को नमन करते अध्याय में एक और बड़ा अध्याय है चित्तौड़। खिलजी वंश के शासकों का चहेता चित्तौड़ होने का कारण भी बेहद महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि राजस्थान का मेवाड़ दिल्ली की आंखों में दिन रात छुपता था। हिंदुस्तान के लगभग पूरे भूभाग को जीत लेने के बाद भी विदेशी आक्रांताओं की कई पीढ़ियाँ इस छोटे से प्रदेश को जीत पाने में असफल रही थीं। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब उसने भी चित्तौड़ पर अधिकार करने का लक्ष्य रखा। आगे क्या हुआ, किन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी गई, उन सब पर आज चित्तौड़ के युद्ध में चर्चा करेंगे। राजा रावल रतन सिंह चित्तौड़ के प्रतापी राजा रावल समर सिंह के पुत्र थे। बेहद महत्वाकांक्षी और शासकीय गुण होने के कारण समर सिंह ने उन्हें चित्तौड़ का राजा बनाया। यह 302 ईस्वी की बात है जब राजा रावल रतन सिंह चित्तौड़ के राजा बनाए गए। उनका यह कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा। कारण रहा कि दिल्ली में बैठे खिलजियों की नज़र चित्तौड़ पर पहले से थी, और अब तक तत्कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने पुरखों के सारे अधूरे कार्य पूरे करने का निर्णय लिया, तो उसमें पहला स्थान चित्तौड़ विजय का ही आता था। इसके पहले इल्तुतमिश नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन ने भी चित्तौड़ पर अपनी पूरी सैन्य क्षमता के साथ धावा बोला था, लेकिन हार कर वापस लौट गया। चित्तौड़ अब तक किसी भी आक्रांता के कब्जे में नहीं आ पाया था। मौर्य सम्राट चित्रांगदा द्वारा बनवाया गया चित्तौड़ का किला अपनी बनावट और युद्ध दृष्टि से बेहद सुरक्षित माना जाता था। इस सवाल के जवाब में मतांतर देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकारों की माने तो वो इसे दिल्ली सल्तनत के शहंशाह अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी कदम मानते हैं। वहीं एक दूसरी कहानी बताती है कि खिलजी को राजा रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी पर मोह था। शेरशाह सूरी के राज में यानी 1540 ईस्वी में लिखी गई पद्मावत भी इसी वजह की पुष्टि करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को संदेश भिजवाया था कि अगर वो रानी पद्मिनी उसे सौंप देता है तो वह युद्ध नहीं करेगा, लेकिन राजा रतन सिंह उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। तब खिलजी आक्रमण कर देता है। खिलजी का रानी पद्मिनी के बारे में जानना भी किसी राजदरबारी की गद्दारी को इंगित करता है। राजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच भीषण रण संग्राम होता है। युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाले अमीर खुसरो अपनी रचना खजाइन उल फुतुह में स्पष्ट लिखते हैं कि इस युद्ध में प्रतिदिन 30,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। रतन सिंह की सेना में भी भीषण रक्तचाप मचाया था। शुरुआती दिनों में खिलजी की सेना के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। खिलजी ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने चित्तौड़ के किले को घेर कर रखने की सलाह दी। बाहर से किसी भी तरह की मदद का आना बंद हो गया। खाद्यान्नों की कमी होने लगी। अपनी प्रजा को भूख से तड़पता देख राजा रावल रतन सिंह को जंग के मैदान में उतरना पड़ा। राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी अब मैदान में आमने सामने थे। जमकर युद्ध हुआ। खिलजी की जमकर धुनाई हुई, लेकिन खिलजी की कपट ने फिर अपना रंग दिखाया। राजा रावल रतन सिंह के पीठ पर वार करवाया गया और फिर उन पर वार किए गए। 1303 ईस्वी में लड़े गए इस युद्ध में राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी फिर भी हार गया। कहानीकारों के मुताबिक जिस उद्देश्य के लिए उसने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था उसे वह आखिरी दम तक नसीब नहीं हुआ। महारानी पद्मावती ने राजपुताना की बाकी स्त्रियों के साथ चित्तौड़ का पहला जौहर किया। इस तरह से आखिरकार चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया। भारत की कहानियों में मेवाड़ और चित्तौड़ का अपना अलग स्थान है, जो राजस्थानी वीरता और पराक्रम के साथ साथ आत्मगौरव की गाथा को हमेशा जीवित रखता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर जल्दी मिलते हैं।